जो अमृतसर में हमारा भगवान वाल्मीकि जी का जो तीर्थ स्थल है, जहां बैठ करके उन्होंने ये महान काव्य रचना रची और पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो बंद तो गया है मगर भावादास के नेतागणों से मेरी अपील है, मैं गया वहां कई बार, भले ही वो पंजाब सरकार ने बनाया लेकिन उसमें जो कमेटी होनी चाहिए, देखरेख कमेटी, वो वाल्मीकि समाज की होनी चाहिए, इसकी आवाज उठा। ये उनके संज्ञान में मैं लाना चाहता था क्योंकि उस कमेटी पर ना तो वहां पर जो बैठे हुए, जो मेरी जानकारी में मैं गया, जो मानते हैं वो ना हमारे हैं, ना पर व्यवस्था को संभालने वाले लोग हमारे हैं, और वहां जो काम करते हैं, सेवा कर रहे हैं लोग, उनको भी छह छह आठ आठ महीने से पगार नहीं मिलती है, वो भी तकलीफ में है। अगर हमारे लोग चुन के जाएंगे, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है, तो जो वहां पर धन आ रहा है उसकी व्यवस्था करना, और वाल्मीकि समाज जब हमारे हैं तो फिर उसकी प्रबंधक कमेटी भी हमारी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आपने 1 लाख लोगों का सदस्यता का टास्क रखा है, बहुत महान बात है, और जो आपने कहा कि सत्ता की ओर बढ़ना है, ये देश हमारा है, तो वो सत्ता की ओर तभी बढ़ा जाएगा कि उन 1 लाख लोगों को लेकर के हम वो राजनीतिक मिशन शुरू करें, क्योंकि बाबा साहब और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो हमें रास्ता दिखाया इस शक्ति को, और आपने काम तकलीफ में है तो उस तकलीफ से निकलने का एक ही रास्ता है सत्ता, और सत्ता हासिल करने के लिए वाल्मीकि समाज को उठना पड़ेगा। दोस्तों, हम उस महान गुरु की औलाद हैं जिसका नाम लेके यहां खड़े हैं, जिस हम परंपरा से हैं, उस परंपरा ने इस दुनिया को रामायण दी, उसी परंपरा के महर्षि वेदव्यास ने महाभारत दी, और उसी परंपरा के महान भीम ने इस देश को संविधान दिया, रिजर्व बैंक दिया, पूरी व्यवस्थाएं दी, और अगर इस देश के वाल्मीकि समाज जो अपने आप को कहते हैं वीर, अगर वो उठ करके अभी नहीं खड़े हुए तो अगले 5 वर्षों में इस वाल्मीकि समाज का ये वो दुर्गति करेंगे, ये पूंजीवादी, ये मनुवादी, कि हम देखते रह जाएंगे, सारे संगठन बैठे रह जाएंगे। अब हमें उठना पड़ेगा अपने बल पे, अपने बल पे उठ करके सत्ता को चुनौती देनी होगी और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, और हम आपके साथ हैं। भवरिक जी का धन्यवाद, तमाम साथियों का धन्यवाद, और इस महान प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ बैठे उनको धन्यवाद, और आज के इस महान प्रतिनिधि सम्मेलन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय वाल्मीकि।